एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान सिमटा हुआ, एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। सिमटा हुआ एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, 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 अपनी खुदी पहचान। मुहाफिजों से कह दो कि घोड़ों की मालिश कर लें। तो मेरे कारवां, अब हमारा कारवां तुर्किस्तान के सरहद पर है। पिछली बार जब मैं तुर्किस्तान से गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया था कि शाहराह रेशम की वजह से यहाँ दुनिया भर के ताजीर आते जाते रहते हैं। मेरे कारवां, ये बताइए आपकी वो तिजारत कैसी रही थी? बहुत अच्छी। अपने गैर मुल्कों की ताजिरों से, जो कि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, रूस, अस्र, चीन, रोम, यूनान और न जाने कहां कहां से आए थे, अपने तिजारत से उनका सामान बदला था। तिजारत में नफा ही नफा हुआ था। हाँ मीरे कारवां, मैं तो पहली बार शाहराह रेशम के कारवां में शामिल हो रहा हूँ। मुझे कुछ डर सा लग रहा है। कुछ डर सा लग रहा है? डर क्यों है? मैंने अपने वतन में सुना है कि तुर्किस्तान से गुजरने वाली शाहराह रेशम पर तिजारत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहाँ जान और माल का भी खतरा बना रहता है। अभी हमने अपने वतन की सरहद छोड़ी है और यहाँ पड़ाव डाला। हमारा अगला पड़ाव शहर सब्ज के पास होगा। यहाँ अल्लाह हमारी मदद करेगा। शहर सब्ज से समरकंद तक फिक्र की कोई बात। मेरे कारवां, खेमे तैयार हैं। अरे खेमे की बात पर मुझे याद आया, मेरी माँ कहती थी कि इसे ताजिर के साथ ब्याह तो दिया है, लेकिन इसे जिंदगी भर ताजिर मियाँ के साथ सारे मुल्क की खाक चढ़नी पड़ेगी। इस मुल्क का भी अजीब रिवाज है, यहाँ के मर्द तिजारत के गर्ज से जब कारवां लेकर निकलते हैं तो वो ये चाहते हैं उनकी औरतें भी उनके साथ चलें। एक तरह से ठीक ही तो है, कभी कभी औरतों की चीखो पुकार सुनकर लुटेरे भी लूटने से बाज आ जाते हैं। हाँ बहन, लेकिन इसमें जान का और इज्जत का भी तो खतरा है, क्योंकि लुटेरे जब लूटते हैं तो वो जवान औरतों को भी माल की तरह लूट ले जाते हैं और उन्हें कनीज बनाकर बेच देते हैं। हाय अल्लाह, ऐसी आफत दुश्मनों पे भी ना आए, हम आजाद औरतों को कनीज बना दी जाए। अल्लाह बड़ा मददगार है, अल्लाह रसूल को याद करो, सारी बलाएं टल जाएंगी। मैं तो खैरियत से अपने बच्चों के साथ अपने घर पहुंच जाऊं तो हजरत बीवी फातिमा की न्याज कराऊंगी। सुनते हैं लुटेरे जब कारवां लूटते हैं तो बच्चों को बड़ी ललचाई नजरों से देखते हैं और उन्हें माँ की छातियों से छीन कर ले जाते हैं। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसके बच्चे को लुटेरे उठा ले गए थे, बाद में मालूम हुआ उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया। बाप बेचारा उसकी तलाश में मारा मारा फिरा, बड़ी मुश्किल से उसकी तलाश कर पाया और एक मोटी रकम देकर अपने ही बच्चे को खरीदा। और मैं तुमको बताता हूँ,
या अल्लाह, तमाम इंसानों को खुश अखलाक बना। वैसे भी हम शहर सबसे बहुत करीब हैं। यहाँ एक बुजुर्ग सूफी रहते हैं, शेख शमशुद्दीन कुलाल। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, तुर्किस्तान के आला और अदना, सभी लोग उनको मानते हैं। सुना है वो जो भी पेशन गोई कर देते हैं, अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती है। ऐसा है तो हमें शहर सब्ज पहुंचकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। कम से कम ऐसे बुजुर्ग की दस्तबोसी तो कर ही लेनी चाहिए। जरूर जरूर, मैं भी उनसे मुलाकात का मुश्ताक हूँ। इधर तो सब ठीक है ना? सब ठीक है, चलो उधर देखते हैं। जी तुम भी आ जाओ। क्यों मेरे कारवां, शहर सबसे समरकंद तक कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं। शहर सब्ज में एक नौजवान रहता है जिसका नाम तैमूर है। तुर्की के बरलास कबीले से उसका ताल्लुक है, जो कि ऊपर जाकर चंगेज खान से जुड़ जाता है। उसकी वजह से शहर सबसे समरकंद तक शहराए रेशम रहजानों से महफूज रहती है। सरदार, पास की पहाड़ियों के पास एक काफिले ने पड़ाव किया है। सुना तूने? भेड़ें आ गईं शेर के पंजे में। शाम के जश्न की तैयारी करो। चलने की तैयारी करो। मेरे घर में डाकू, मेरे घर में डाकू। मुकाबले के लिए तैयार।